Assalamu alaikum guys, this is Engineer Ahmad Makki. If this is the first time you are visiting my channel, please hit the subscribe button as well as ring the bell icon. अच्छा तो students, आज का जो basically हमारा next day है ना, हम problem solving के fourth point पे जा रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमने problem की definition की, ठीक है? Then हमने क्या किया था, problem जब हमें समझ, problem का हमें पता चल गया, हमने सारी की सारी information को gain कर लिया. देन हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आता था, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. अब हम उस वक्त तक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं होगा. हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारे पास था कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि मैक्सिमम के जितना ज़्यादा हम अंडरस्टैंड कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, हमने प्लानिंग करनी थी कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं. हमारे पास स्टेप्स थे, सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस वगैरह और सारे सारा हमने फिल कर लिया था. अब हमारे पास आता है कैंडिड सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास फोर्थ पॉइंट है. अभी जो कैंडिड सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है. कैंडिड सॉल्यूशन में आपको समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपकी पूरी अकेडमी के अंदर ना आपने क्रिकेट प्लेयर्स इकट्ठे करने हैं. आपकी अकेडमी में फॉर एग्जाम्पल 300 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अब 300 स्टूडेंट्स और आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. आप चाहते हो कि आपने पूरी अकेडमी के आपने क्रिकेटर प्लेयर जो है ना, जो क्रिकेट खेल सकते हैं उनको इकट्ठे करना है. आप क्या करोगे, आप अपनी क्लास के अंदर अपने क्रिकेट जितने भी खेलते होंगे, फॉर एग्जाम्पल 40 में से 12 निकले हैं, आप क्या करोगे, बाकी सारे सेक्शन को काउंट करोगे, मतलब अपने 12 जो आपके क्लास के हैं ना, 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे सारे सेक्शन के साथ. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 सेक्शन हैं, 280 स्टूडेंट्स हैं. आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि आप जितने सेक्शन आपके सेक्शन में है ना, उतने ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 सेक्शन से या 6 सेक्शन से, जितने भी ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं. अब क्या होगा, क्या आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा? नहीं आएगा. आपके पास ना हर क्लास में आपके इतने क्रिकेट प्लेयर्स नहीं होंगे. लेकिन अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मान लो ट्रीट करो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं. आप क्या करते हो, आपको मैं असाइन करता हूँ तीनों को. आप तीनों ने पूरी अकेडमी के ना 300 बच्चों में से आपने क्या करने के क्रिकेट प्लेयर्स होंगे, कितने हैं काउंट करके मुझे बताने हैं. आप क्या करोगे, आप कर रहे हो कि आप अपनी क्लास में जितने बनते हैं ना क्रिकेट प्लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल 12 बनते हैं, बाकी आपके सेक्शन की 10 सेक्शन हैं. आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो 10 के साथ, जितने भी आपके सेक्शन हैं 12 10 के साथ करते हो 120. आप क्या करते हो, 300 में से 120 हमारे पास क्या है, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है? ये हमारे पास अंदाजा है और ये हमारे पास क्लियर नहीं हो सकता. अब ये हमारे पास होता है हमारे पास हमारे पास एग्जैक्ट भी नहीं होता, ये नॉन एग्जैक्ट होता है हमारे पास, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. जो आपके पास सॉल्यूशन आया वो हमारे पास क्या होगा, कैंडिड सॉल्यूशन. जो मैंने एग्जांपल दिए उसे समझ आ गई कैंडिड सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास. कैंडिड सॉल्यूशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा टॉपिक है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन. अब आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है. अब आप बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, आप क्या करोगे, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास. अब बेसिकली जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना, अब हमने पिछले कैंडिडेट सॉल्यूशन के अंदर क्या था, अंदाजा से हमने बताया था कि हमारे पास कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या बनता है. लेकिन जो अब हमारे पास है सॉल्यूशन, को एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है और बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है. अब बेस्ट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके भी हमारे पास स्टेप्स हैं, मैं आपको वो भी समझाऊंगा. बेसिकली जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसके अंदर कोई वो नहीं है. कल के लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी वाला समझाया था जिसकी वजह से आपको समझ आ गई थी, लेकिन जो आज का लेक्चर है उसके अंदर थ्योरी का थ्योरी की थ्योरी है, समझने वाली जो समझाने वाली चीज़ें हैं डायग्राम वाली वो बहुत कम है. अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बेस्ट सॉल्यूशन. अब मैं बेस्ट सॉल्यूशन के आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको वही एग्जाम्पल देता हूँ. आपको मैं कहता हूँ कि आपने पूरी अकेडमी से ना पूरी अकेडमी के स्टूडेंट्स काउंट कर लिया. पहला बल्कि पहले आप ऐसे करो, आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया, मैं मतलब मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं आपको क्लिक गेटर ट्रेनिंग के लिए भेजूँ, मैं
कहता हूँ कि आपके पास जो अकेडमी है पूरी अकेडमी के नाम का डेटा जो है ना, पूरी अकेडमी के हर एक बच्चे का डेटा आपने मुझे ला के देना है। अब आपके जिम्मे बीगा हो गया। सेकंड जिम्मे जो असल प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि मैंने अपना एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ढूंढा है, 300 बच्चे की अकेडमी से हमने एक बच्चे को ढूंढा। अब मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? बेस्ट सोल्यूशन अगर हम चाहते हैं कि हमें बेस्ट सोल्यूशन मिले, हमें डिफरेंट सोल्यूशन ट्राई करने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट सोल्यूशन मतलब अगर हमें इस बार को पकड़ना है ना, तो मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, मैं ऐसे भी पकड़ूंगा, मैं डिफरेंट तरीके निकालूंगा, मैं डिफरेंट तरीके निकालूंगा, तो मेरे पास क्या होगा? डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे। और डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे तो उसका मतलब है आई कैन चूज द परफेक्ट सोल्यूशन। परफेक्ट तो नहीं, बेस्ट सोल्यूशन। परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, बेस्ट सोल्यूशन जो अप्रॉक्सीमेटली बेस्ट से बेस्ट होगा ना, हम ओवर एंड ओवर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैंने सर्च करना है, ये डाटा कलेक्ट कर लिया इसने। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक अपना स्टूडेंट है, उसका सर नेम जो भी है, हमने उसको सर्च करना है पर्टिकुलर नेम के साथ। ओके हो गया, अब मैं इसको सर्च कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर को सर्च करूँगा, ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। सेकेंड में इसके रोल नंबर को सर्च करें, रोल नंबर जो होगा इसका रोल नंबर से सर्च कर सकूँगा, ये हमारे पास सेकेंड सोल्यूशन आ गया। थर्ड इसके अल्फाबेटिकल के बाद इसके नाम से सर्च करूँगा, वो एक बेटर सोल्यूशन आ गया। लेट सपोज हमारे पास तीन सोल्यूशन है, इन तीन सोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं, तो बेस्ट सोल्यूशन तीनों में से कौन सा है? इसका नाम सर्च करो, नाम सर्च करने वाला आप बताओ, आप बताओ, एक रह गया तो पता लगा दो। अच्छा हमारे पास क्या होता है कि नाम नहीं रोल नंबर वाला बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि हमारी अकेडमी में आपने उसे रोल नंबर का क्यों कहा? ये रोल नंबर से हम मेल सर्च कर सकते हैं, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है। बात पता क्या है, अगर हम मेल सर्च करेंगे ना विदाउट सर नेम, सर नेम मतलब सेकेंड नेम, हम हमारे पास क्या होगा कि अपना नाम के काफ़ी ज़्यादा अकेडमी में स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अगर आपके पास 1000-2000 बंदे हैं या ज़्यादा बंदे हैं, उसमें से अपना को ढूंढोगे, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी अपना के लिए, अहमद नाम सर्च करोगे, अहमद की भी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसे जिसका रोल नंबर उसका होगा वो निकल आएगा। लेकिन रोल नंबर क्या होता है? पर्टिकुलर स्टूडेंट का पर्टिकुलर रोल नंबर होता है, किसी दूसरे को साइन ही हुआ होगा। तो बेसिकली ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सेक्शन है ईडेंट, अगर उसके अंदर पर्टिकुलर स्टूडेंट है और अब उस सेक्शन का एक रोल नंबर होगा, सेक्शन का शुरू में एक नंबर होता है, उसके बाद आपका नंबर होगा। तो हम रोल नंबर से क्या कर सकते हैं इजीली सर, हमने तीनों में से हमने पहले क्या किया, आपको एक प्रॉब्लम दी गई, आपने क्या किया, बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए तीन सोल्यूशन, तीन डिफरेंट तरीकों से सोचा। आपने इतने तीन से ज़्यादा तरीके सोच सकते हो, आप तीन से ज़्यादा तरीके सोचोगे उनमें से एक आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है, उस बेस्ट सोल्यूशन को आपने पिक करना है, वो हमारे पास क्या होगा, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास एक थर्ड प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये हमारा आज का लेक्चर था, इसके बाद हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स के, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। In the end, if you want me to ask something about this tutorial, you can ask me in the comment section. And hey, don't forget to subscribe my channel as well as ring the bell icon. Allah Hafiz.